नमस्कार दोस्तों जय हिंद मैं मनोज आपका अपना चैनल जी गुरु जी एक प्रयास सफलता की ओर आइए आज के हम करंट अफेयर ट्वेंटी मई के हम करते हैं आज इसमें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के किस देश ने हाल ही में पचास स्टेटअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया विच कंट्री अलॉन्ग विद द इंडिया हैज हैजेंट्री लॉन्च द फिफ्टी स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम तो उसका नाम है बांग्लादेश बांग्लादेश ने इसका स्टार्टअप इस किया भारत के साथ टाई अप किया दोनों प्राइम मिनिस्टर ने इसको किया है और इसमें जो है कौन कौन से जो एक्सचेंज हैं जो वहाँ किए गए हैं इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्च द फिफ्टी स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम अंडर विद द फिफ्टी स्टार्टअप्स फ्राम बांग्लादेश एंड फिफ्टी स्टार्टअप फ्राम इंडिया वर प्लान टू एक्सचेंज विजिट टू ईच अदर्स कंट्री ईच अदर कंट्री एंड दैट इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग द पार्टनरशिप एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस रिलेशन शेयरिंग एक्सप्लोरिंग एंड नॉलेज एक्सपेंडिंग यूथ एंड एंटायर कॉर्पोरेशन दट इज अंडर द प्रोग्राम द फर्स्ट ग्रुप इसमें टेन स्टार्टअप ऑफ द कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेक्टर सच है कमर्स है हेल्थ है ट्रांसपोर्ट है लॉजिस्टिक एनर्जी है एजुकेशन है स्किल डेवलपमेंट है बंग्लादेश है मेड अ फाइव डे विजिट टू इंडिया फ्रॉम मे एट थ्रू ट्वेल्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द फ्रेम ऑफ द प्रोग्राम वाज डिसाइड बाई द प्राइम मिनिस्टर बोथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंग्लादेश दैट इज अ शेख हसीना एंड द पी ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी दोनों के बीच ये एक्सचेंज हुआ है और ये जो एक्सचेंज है यानी पचास स्टार्टअप का जो एक्सचेंज है वो बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हाल ही में रिसेंटली हुन द गोल्ड मेडल इन हैमर थ्रू सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रू इन द 50 प्लस कैटेगरी एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स 2023 इन द साउथ कोरिया तो दैट्स साउथ कोरिया हाल ही में दक्षिण कोरिया में एशिया पैसिफिक गेम हुई और वहाँ पे हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक और डिस्क थ्रो में रजत पदक किसने जीता तो उनका नाम जो है यहाँ पे ये जो नाम है अश्विनी अवस्थी जो हिमाचल के ही हैं और हिमाचल के एक, एक एसोसिएट वो हिमाचल में एक डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एसोसिएट फिज़िकल वहाँ पे प्रोफेसर हैं फिजिकल एजुकेशन के तो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी नेशनल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आइए इसमें आगे हम चलें तो इसकी जानकारी लेते हुए आ, ये एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इंदौरा ये इंदौरा के हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पड़ता है बॉर्न गोल्ड मेडल इन द हैमर थ्रू सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रो इन द 50 प्लस कैटेगरी आ, आवस्ती हु हेल्स फ्रॉम द दधोली विलेज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाज कन्फर्म दीज मेडल्स इन द साउथ कोरिया इन्होंने साउथ कोरिया से इन मेडल्स को वहाँ पर जीता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर्स एज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस सर, uh, सरकार द्वारा सहकारिता विभाग प्रभार किसे दिया गया रिसेंटली हु हैज बॉर्न हु हैज बीन गिवन द चार्ज ऑफ कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट बाई हिमाचल गवर्नमेंट तो आपको पता है हिमाचल में पहली बार जो है डिप्टी सीएम का पद जो है हिमाचल में दिया गया है और वो जो पद दिया गया है वो मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया है ये पहले हिमाचल के डिप्टी सी एम है जो भा जो हिमाचल के ही पहले डिप्टी सीएम एम दैट इज द डिप्टी सीएम है और इन्हें ही जो है एक और पोर्टफोलियो दिया गया है कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट बाय हिमाचल सहकारिता विभाग भी इन्हें दिया गया है हम इसमें देखेंगे इनके पास पहले कौन कौन से डिपार्टमेंट है जनशक्ति इनके पास है लैंग्वेज का इनके पास है ट्रांसपोर्ट इनके पास है एच वाला डिपार्टमेंट इनके पास है और अभी ये अच्छा खासा काम यहाँ पर कर रहे हैं और एक और पोर्टफोलियो सरकार ने इनको दिया है लेकिन ये सबको पता कि अभी तीन मंत्री और जो हैं यहां हिमाचल सरकार में बनने के लिए जो है वैकेंट है सीट्स वहां पे तीन और मंत्री बनने के लिए आइए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाल ही में गतका को थर्टी सेवंथ राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया यह पारंपरिक मार्शल आर्ट किस राज्य का है रिसेंटली गतका ग क्या है एक खेल है जो कि पंजाब का पारंपरिक खेल है पंजाब में ये पारंपरिक खेल है सेल्फ डिफेंस में ये खेला जाता है इसमें तलवार इसमें तलवार और लाठी इसमें तलवार और लाठी दो चीज़ें सेल्फ डिफेंस में यूज की जाती हैं और इसी खेल को जो है भारत में सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित किया जा रहा है कि वहाँ पे इस खेल को खेला जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में इन नेक्स्ट स्ट्रीम में आ सकता है अगर बात करें यहाँ पर गदका जो है गदका का मतलब जो है नॉलेज है और ये स्किल है एक तरह से जो कि आपको सेल्फ डिफेंस में के लिए यूज किया जाता है और ये बेसिकली ट्रेडिशनल गेम जो है ये पंजाब राज्य की है और ये वहाँ पे यूज किया जाता है तो इसमें देखिए प्रेजिडेंट ऑफ द नेशनल गद का एसोसिएशन जो है वो है हरजीत सिंह गरेवाल हैं और आई आई ओ ए की जो प्रेजिडेंट अभी हैं हाल ही में उनका नाम पी टी है और गत का टेक्निकल कंडक्ट कमेटी में जो चेयरमैन है वो अमिताभ शर्मा यहाँ पे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो हाल ही में स्लोवाकिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो उसमें लूडो विट ऑर्डर लूडो विट ऑर्डर को जो है वहां पे जो है नियुक्त किया गया है ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं अभी और इन्होंने जुजाना कैपुटोवा, प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल स्लोवाकिया, वाकिया अपॉइंटेड द लूडो विथ ऑर्डर अलोवक एकोनमिस्ट एंड द फॉर्मर डेप्टी गवर्नर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ सोलोवकिया एज इंटर्न प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलो वाकिया तो ये पहले वहां पे गवर्नर थे बैंक के और ही इलेक्शन विच विल्वेंटी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट सेवेंथ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वार्गलिंग तो इट्स मीन दैट कि वहां पे जो है अभी जो पी एम को वहां पे चेंजेस किया लूडोविट जो वहां के प्रधानमंत्री हैं अगले क्वेश्चन पे हम चलें विश्व का उच्च रक्तचाप दिवस 2023 विश्व भर में कब मनाया गया अब ये क्वेश्चन जो है सबको पता है कि जो हाइपरटेंशन है जो ब्लड प्रेशर है आज की तारीख में ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है दैट इज द प्रेशर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा प्रेशर है प्रेशर की वजह से जो ब्लड प्रेशर और हमारा खान पान जो है उसको लेकर जो है लगातार चेंजेस हो रहे हैं और उस चेंजेस के चलते ब्लड प्रेशर जो है आज की बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ रहा है हालांकि ज्यादातर जानकार जो है वो ये कहते हैं ब्लड प्रेशर जो है आप अपने आप में कोई बीमारी नहीं है लेकिन दैट इज द इंडिकेशन ऑफ डिजीज ये और बीमारियों का कारण है तो ये सेवेंथ मई यानी कि जो है सत्रह मई को जो है आपका ये मनाया जाता है दैट इज द हाई ब्लड प्रेशर द वर्ल्ड हाईपर टेंशन डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन द सेवन द थीम दैट इज अ मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव एंड लॉन्गर आप इसे कंट्रोल रखें और लॉन्ग लाइमर चलें। बहुत ज़्यादा लोगों को अभी इसकी समस्या आ रही है और इसका एक दो एक और मैं आपको जानकारी यहाँ पर दूँ दूसरा कारण ये है कि सुबह जो लोग बिना वार्म के सीधा ही मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं आ, उनके लिए भी अभी हाल ही के एक सर्वे में ये भी एक छोटी सी एक रिपोर्ट आई है कि ज़्यादातर तो जो है ब्लड प्रेशर उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा रह रहा है इंस्टाइड ऑफ दैट वो सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं तो आप इसमें जरूर ध्यान दें वर्ल्ड हाइपर टेंशन लीग इनिशिएटेड अ गो ग्लोबल कैंपेन ऑन द हाइपर टेंशन टू थाउजेंड फाइव एंड ऑब्जर्व द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे ऑन द फोर्टीन मई टू थाउजेंड फाइव द डे वॉज ऑब्जर्व टू रेज द अवेयरनेस अबाउट हाइपर टेंशन कॉमली नॉन एज द हाई ब्लड प्रेशर एंड द प्रमोट इज प्रवेंशन एंड डिटेक्शन एंड कंट्रोल वही जो मैं बात कर रहा था कैसे इसको प्रिवेंशन इससे किया जाता है कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किस राज्य किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि ऋण ब्याज माफी शुरू की मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023-2023 नामक योजना टू थाउजेंड ट्वेंटी फ्रॉम द इंटरेस्ट इंटरस्ट स्कीम कॉल द मुख्यमंत्री कृषि ब्याज माफी योजना तो ये बहुत बड़ी योजना है भारत की पहली ऐसी बहुत अच्छी योजना इन्होंने लॉन्च की है किसानों के लिए कुछ ऐसी योजना आई जो किसानों को राहत देगी बहुत लंबे समय से हमारे देश में रीढ़ की हड्डी है वो किसान है लेकिन अब तक जो है किसानों को उचित मूल्य की अगर हम बात करें तो उस लेवल का जो मूल्य अभी भी यहाँ पे इनको नहीं मिलता है हम यहाँ पे देखें तो ये जो योजना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने शिवराज चौहान उन्होंने ये लॉन्च की है बहुत अच्छी योजना है और जिसका यूज जो है अभी ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसमें क्या क्या डाटा हुआ आपको बताएंगे अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान हैज़ अ फॉर्म लोन इंटरेस्ट वेवियर स्कीम नेमली मुख्यमंत्री कृषि ब्याज माफी योजना टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दीफ मिनिस्टर एंड द इंटरेस्ट एज ऑन थर्टी वन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी 31 मार्च तेईस तक जिन लोगों ने बहुत ज्यादा ब्याज दो लाख तक को ब्याज लिया है किसानों ने वो सारे के सारे ऋण जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार माफ करने वाली है और इसमें द फॉर्मर प्राइम एग्रीकल्चर क्रेडिट कारपोरेशन सोसाइटी एफिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन वहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन होगी अंडर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स जो यहाँ पे होगा वो लगभग जो है 2123 करोड़ के लगभग है और इससे जो जो किसान है उसमें ग्यारह लाख उन्नीस हजार किसानों को सीधा फायदा यहाँ पे होने वाला है तो ये बहुत अच्छी योजना है शिवराज चौहान ने बहुत अच्छी योजना यहाँ पे लॉन्च की है नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले यहाँ पे निम्नलिखित में कि देश ने हाल ही में पहला मामला दर्ज किया 2023 का पोलियो वायरस विच इज द फॉलोइंग कंट्री हैज सेंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ द पोलियो वायरस ऑफ टू तो इसमें जो है ये जो देश है आपके सामने अफगानिस्तान इसका नाम है अफगानिस्तान अफगानिस्तान में कुछ समय पहले एक चार साल के बच्चे का जो है वहाँ पे टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया और उसे ये वहाँ पे पोलियो वायरस पाया गया बेसिकली पोलियो वायरस जो होता है ये करता क्या है पोलियो वायरस अगर लगातार चलता अगर किसी में पाया जाता है और ये लगातार किसी नर्व सिस्टम पे पहुंच जाता है तो वहां पे ये सीधा शरीर को जो है पैरालाइज कर देता है यानी कि द कंट्री हैज हेल्थ उसके बारे में हम बात करें पोलियो हैज एंड द एबलिंग डिजीज टिपिकली स्प्रेड थ्रू द दूधेड वाटर और फूड द एंड कंक्लूड कंप्लीट दैरालसिस विद इन आवर्स आफ्टर द इन्वेडिंग द नर्व सिस्टम अगर इसमें चला जाता है तो इससे सीधा सीधा पैरालाइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस द कंट्री हेल्थ एंड ऑथराइज्ड डिटेक्टेड इन द नाना नगर प्रोविंस अ फोर ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड हैविंग अ पोलियो सिकनेस इन द रीज़न एंड अप टू टू केसेस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस हैज बीन फाउंडेड ऑफ द वर्ल्ड वाइड अ टोटल 56 केसेस पोलियो वर रिपोर्टेड इन द अफगानिस्तान 2020 व्हाइल फोर केसेस वर रिपोर्टेड एज इन 22 2021 तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले यहां पे किस देश की पुलिस ने हाल ही में स्टे इन नामक यातायात अभियान शुरू किया और लेन सड़क उल्लंघन में अंकुश लगाने के लिए किया तो आई थिंक सो दैट दैट इज इज ऑफ फिनलैंड बिकॉज द फिनलैंड अगर बात करें तो नॉट टू बी फिनलैंड दैट इज यू ए आप सबको पता है कि जो अरब अमीरात जो देश है ये बहुत स्ट्रिकनेस है अपने प्रशासन को लेके और वहां जो लोग रहते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है और ट्रैफिक रूल्स बड़े कड़े होते हैं यहाँ पे तो यू की अगर बात करें इन्होंने हाल ही में स्टे इन नामक यातायात अभियान शुरू किया है उसके बाद क्या क्या किया उसके बात करें यू ए शारजा पुलिस लॉन्स अ ट्रैफिक कंपेन स्टे इन योर लैंड स्टे इन योर लैंड यानी कि आप अपनी लैन पे ही चले और अपनी लैन पे ही खड़े रहे अपने ही लेन में वर्कआउट करें इन द मई टू कब रोड लेन वॉल्यूशंस द कंपेन एम्स टू इम्प्रूव ट्रैफिक कल्चर एम ड्राइव एंड अदर रोड यूजर्स बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग

नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चले अवार्ड विच ऑफ द पुरस्कृत किया गया यहाँ पे वो है चेन्नई चेन्नई का जो पोर्ट है उसे इसे सम्मानित किया क्योंकि क्यों किया गया क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वहां पे पानी और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सबकी जो है व्यवस्था बहुत अच्छे से है उसी को देखते हुए इन्होंने जो यह अवार्ड दिया एंड दर्फर्मेंस इंडियन मेजर पोर्ट दर्न अराउंडर ड्यूरिंग टाइम इज एन इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस पार्टनर अगर इसकी बात करें तो अवॉर्ड जो रिसेंटली अभी मिले उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई द Astronomical सोसाइटी ऑफ इंडिया दैट इज अ नारलेकर को मिला है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड योगी आदित्यनाथ को भी मिला है दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कमिंग इन द पेपर्स कल हमने बात की थी एस में बहुत टेंटेटिव डेट्स उसकी सारी आ चुकी हैं तो ये जो क्वेश्चन हैं चाहे अग्निवीर है चाहे एस है सब में ही यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं भारत रत्न अवार्ड उसका यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मोहम्मदी एंड द नर्गिज़ मोहम्मदी ये यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज इनको यहाँ पे मिला है दैट इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैर कमिंग इन द पेपर्स जो आवी टेंटेटिव डेज जिनकी हैं उनके वहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट यू आर डूइंग इट वेरी वेल दैट देश फेलोशिप यू के बेस इंडियन और मीरा सियाल तो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले यहाँ पे तो वो रशिया की थी जिसको ये लास्ट अवार्ड यहाँ पे मिला है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाल ही में निमिल से कौन सा देश 2022-23 के दौरान अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा कौन सा ऐसा देश है जो उसके बाद उभरा तो अगर बात करें वहाँ पे नीदरलैंड जो है वहाँ पे नीदरलैंड जो है वो उभरा है द अमर्स द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन आफ्टर द यू एंड द यू ड्यूरिंग द टू एंड ट्वेंटी कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ द संडे दिस कैन बी Attributed the surge shipment of the goods such as the petroleum products, electronic atoms, chemicals, and uh, aluminium goods reports and the PTI and the uh, sitting commerce ministry, India's trade. India's trade uh, surplus with the Netherlands has also been increased U, U, uh, US dollar 8 billion in the 2021 and 22 US dollar 30 billion in 23rd. अगर आप बात करें द मेजर डेस्टिनेशन सच एज यूके हांगकॉन्ग बांग्लादेश इन सबसे ऊपर है इंडिया एक्सपोर्ट द नीदरलैंड रोज इज दैट भारत ने अभी किस बैंक को भारत के आर बी आई ने बैंकों को क्या कहा बैंकों को कहा कि आपको जो है लाइव और से आपको दूरी बना के रखनी है ट्रांजेक्शन में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिमिता को अन्य विनिमित संस्थाओं से कहा कि एक जुलाई दो से लाइवर से पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करें और जिसका नाम है लाइबोर तो लाइबोर तो मतलब कि इसकी डेफिनेशन uh, क्या है तो डेफिनेशन इज दैट द लंदन इन टर्म बैंक ऑफर रेट ऑफ ऑफर रेट दैट्स मीन दैट ये ऐसा क्यों हुआ तो इसलिए हुआ कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट इशूड द डायरेक्टिव टू द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर्जिंग दैम द अडॉप्ट एंड अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बाई जुलाई फर्स्ट दिस इज ट्रांजेक्शन कम्स एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल एफर्ड मूव अवे फ्रॉम द स्कैंड लंदन इंटर बैंक ऑफ अड रेट लंदन बैंक सी लंदन इंटर बैंक ऑफ अर रेट दैट द आंसर इज सी एंड वाई इज डूइंग क्योंकि लाइवर इज बींग फेस्ड आउट बिकॉज इट्स रोल इन एक्स क्रेविटिंग Extra, the 2008 financial crisis and the LIBOR manipulation of the scandals among rate-setting banks. However, there have been a few instances dollar LIBOR-linked financially contracts undertaken and facilities by the banks and FLS. Also, after uh, January 1st, and the RBI has emphasized the need of the fallback clauses uh, in all the required contracts. तो आर ने अपने बैंकों को ये कहा है कि आप लाइव से एक्सेंज काम करें क्योंकि बिकॉज डिफ़ॉल्टर ये लगातार जो है बैंक डिफॉल्टर है और स्कैंडल में आप इसमें ना फंसें नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एंड दैट द लास्ट दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द करंट जी मैं बात करूँ तो ये करंट जी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि आप करंट अफेयर को पढ़ें अच्छे से करें तो आने वाले टाइम में जितने भी है एग्ज़ाम हैं चाहे वो छोटे से बड़े एग्जाम हैं चाहे अलाइड है चाहे वो आपके प्रशासनिक सेवाओं में है हमारी कोशिश रहेगी कम से कम क्वेश्चन को लेकर आए क्वालिटेटी क्वेश्चन को लेकर आए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हों और आप इसे पढ़ें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं जिससे हम और उत्साह से और बढ़िया काम यहाँ पर करें जो आपको फ़ायदेमंद होगा इसी के साथ दोस्तों जो है मैं जय हिंद जय हिंद